नारकोटिक्स टीम की चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। चित्तौड़गढ़ हाईवे से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से 9 किलो अफीम बरामद हुई है। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी के मुताबिक आरोपी कन्हैया लाल और राकेश चित्तौड़ के डूंगला क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी बाइक पर सवार थे। बाइक की डिग्गी की तलाशी में डिग्गी से 9 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख बताई गई है। आपको बता दें कि जिला उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी के निर्देशन में चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ हाईवे से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 9 किलो अफीम बरामद हुई है। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी के मुताबिक आरोपी कन्हैया लाल और राकेश चित्तौड़ के डूंगला क्षेत्र के निवासी हैं। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आरोपियों को चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ और डूंगला के बीच हाईवे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी बाइक पर सवार थे। बाइक की डिग्गी की तलाशी में डिग्गी से 9 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख बताई जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के प्रकरण दर्ज कर अफीम और बाइक जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी कन्हैया लाल और राकेश से अफीम खरीद परोक्त के बारे में पूछताछ जारी है।